हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं मोनिल और रात देख रहे हैं टेक्निकल मोनिल चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने फ़ोन के कीबोर्ड की थीम को कैसे चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, इसके लिए आपको किसी भी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना होगा। सो गाइस, आपकी जो भी मनपसंद थीम है वो आप वन क्लिक में अपने कीबोर्ड पर लगा सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोनिल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पर अपने फ़ोन में जो है गूगल इंडिक कीबोर्ड को यूज़ करता हूँ। सो गाइस, अगर आप गूगल इंडिक कीबोर्ड का यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, ये जो कीबोर्ड होता है बहुत ही सेफ़ कीबोर्ड होता है, जिससे आपका जो आप जो भी टाइप करते हैं वो हैक नहीं होता है। तो गाइस, अगर आप जैसे कोई दूसरा कीबोर्ड प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और उसे यूज़ करते हैं, तो उससे दोस्तों आपका डाटा हैक होता रहता है। आप क्या टाइप कर रहे हैं, क्या मैसेज कर रहे हैं, उससे आपका जो डाटा है वो हैक होता रहता है। तो गाइस, गूगल इंडिक कीबोर्ड जो होता है वो बहुत ही सेफ़ होता है, तो मैं इसे ही यूज़ करता हूँ। तो गाइस, गूगल इंडिक कीबोर्ड को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना होता है। तो गाइस, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं दोस्तों। थर्ड ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख रहा होता है कीबोर्ड का। सो गाइस, कीबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है थीम का, आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस, क्लिक करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर अपने कीबोर्ड पर कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ आप बहुत सारे कलर्स देख रहे हैं, आप आपके फेवरेट कलर्स को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपके पास कोई सेपरेट इमेज है कीबोर्ड पर सेट करने के लिए, तो आप उसे भी सेट कर सकते हैं। आपको फर्स्ट में माय इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करके गैलरी में से अपने जो इमेज है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने चैनल का लोगो ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, आपको इमेज सिलेक्ट करने के बाद आपको उसे यहाँ पर क्रॉप कर लेना होगा अपने हिसाब से, और आपको यहाँ पर नीचे फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। तो गाइस, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको जो ब्राइटनेस लेवल होती है इस इमेज की, आपको उसे सेट कर लेना होता है। तो गाइस, आप भी इसे अपने आपको जैसी ब्राइटनेस लेवल अच्छी लगती है आप उसके हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। तो गाइस, ब्राइटनेस लेवल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे डन पर क्लिक कर देना होता है। तो गाइस, अब जो आपका सक्सेसफुली जो है लोगो जो थीम है अपने कीबोर्ड की लग चुकी है। तो गाइस, इसका मैं अब आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर हमारी जो थीम है जो सक्सेसफुली लग चुकी है। सो गाइस, इस तरीके से आप किसी भी फ़ोन में किसी भी कीबोर्ड पर अपनी मनचाही थीम लगा सकते हैं बिना किसी ऐप को इंस्टॉल किए बिना। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोनिल को भी सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।